दोस्तों भारत आज का वनडे मैच हारने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म कर रही है उसे देखकर यही लग रहा है कि भारत इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का ओडीआई सीरीज भी हारने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती दोनों वनडे मैचों के अंदर भारत टीम की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ही खराब रही है। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 115 रन चेस करने के चक्कर में 5 विकेट गंवा दिए थे और दूसरे वनडे मैच में तो 181 रनों पर पूरी टीम ही सिमट गई थी। अब बताइए इस टीम को लेकर वर्ल्ड कप कैसे जीता जा सकता है। रोहित शर्मा जहां पर ओपनिंग बैटिंग करने के लिए उतरते थे वहीं पर पहले वनडे में रोहित शर्मा लो ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे और विराट कोहली को बैटिंग का मौका भी नहीं दिया गया था। वहीं पर दूसरे वनडे में जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी दोनों प्लेयर्स की, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही बाहर रखा गया था और उन्हें आराम दिया गया था और उनके चक्कर में हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया, जिससे सेकंड वनडे इंडिया हार गई है। हार्दिक पांड्या पहले की तरह ही फिर से ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अभी भी उनकी गेंदबाजी जो है कुछ भी खासा कमाल नहीं कर पाई है और अगर आज के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली को नहीं उतारा गया तो आज का जो ये मैच है और सीरीज है वो इंडिया के हाथों से फिसल सकता है। और जिस तरीके से इंडिया का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से बदल दिया गया है और जो एक्सपेरिमेंट किया है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बुरी तरीके से फेल हो चुका है। जितना भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया उसकी वजह से इंडिया को बहुत ही नुकसान हुआ है। तो दोस्तों आज ये माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ही शुभमन गिल, ईशान किशन सभी मेन प्लेयर्स आज का ये आखिरी मैच खेलने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, आज इंडिया जीतेगा या वेस्ट इंडीज? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।